नमस्कार फ्रेंड्स, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने इस कैमरा का अनबॉक्सिंग करके दिखाया था, जो CCTV कैमरा है CP Plus का। आज के इस वीडियो में हम इसका इंस्टॉलेशन करेंगे। कैसे इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है आप वीडियो देख के सीख सकते हो, तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बॉक्स से पहले सब सामान को बाहर निकाल लेते हैं। यदि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो प्रॉपर इसका सब सेटिंग हुआ रहता है, बस हमको कनेक्शन करना होता है। कनेक्शन करने के बाद ऑन करना होता है फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन ही मेन चीज़ है, उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें हमें चार कैमरा मिला है, चारों कैमरा को कनेक्शन करने के लिए ये 90 मीटर का वायर मिला है, इसी वायर से कनेक्शन होगा। इस केबल के साथ कनेक्शन करने के लिए हमें और एक कनेक्टर चाहिए, जिसका नाम है BNC कनेक्टर। आपको दिखा दूँ, BNC कनेक्टर इस टाइप का होता है, आप देख सकते हो इसमें BNC कनेक्टर है और ये जो जैक लगा है वो DC जैक है। देखो फ्रेंड्स, मैंने DVR को ओपन कर लिया है, इसमें स्क्रू लगा था, मैंने चारों पांचों स्क्रू को खोल के ओपन कर लिया है। इसमें हमें अभी हार्ड डिस्क लगाना पड़ेगा। हार्ड डिस्क लगाने के बाद कनेक्टर से ये इसमें कनेक्शन होगा। दो कनेक्टर हमें इसके साथ मिला है, पहले उसको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो इस प्रकार से ये दो कनेक्टर मिला है। इस कनेक्टर को क्या बोलते हैं पता नहीं फ्रेंड्स, मुझे इसका नाम पता नहीं है, आपको पता होगा तो कमेंट ज़रूर करना। ये हार्ड डिस्क है, इसको DVR में जगह देख के इसको अच्छे से टाइट कर देते हैं। इसके टाइट करने के लिए हमें इसके साथ स्क्रू भी मिला है। तो चलो फ्रेंड्स, मैं पहले इसे टाइट करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने इस प्रकार से इसको इसके जगह में टाइट करने के बाद कनेक्शन कर दिया है। आप देख सकते हो इसमें ये कंप्लीट हो चुका है। चलो इसके कैबिनेट बंद कर देते हैं। इसे कैबिनेट के अच्छे से सभी स्क्रू टाइट कर देना है। और अब चलो चलते हैं इसके कनेक्टर बनाने की तरफ, जो कैमरा के लिए हमें कनेक्टर बनाना है उसको। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले इसके वायर को अच्छे से छील लेना पड़ेगा। इसका वायर का क्वालिटी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, देख सकते हो बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है। थोड़ा सावधानी के साथ वायर छीलना पड़ेगा, क्योंकि अंदर का वायर कटना नहीं चाहिए। इसके वायर को छीलने के बाद आप देख सकते हो इसमें से तीन वायर निकला है, रेड, येलो और ब्लैक का, और एक वायर और अलग से है, इसको भी मैं छील के दिखा देता हूँ। ये सील्ड, इसमें सील्ड वायर भी है फ्रेंड्स, जैसे LMB वाला वायर में रहता है, जो हमारा सेटअप बॉक्स का केबल रहता है ना, उस प्रकार से एक अलग से इसमें वायर है जो कैमरा के लिए रहेगा। और वो बाकी वो तीन वायर है, एक माइक के लिए रहेगा और उसमें से रेड और ब्लैक को सप्लाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं, इसको भी मैं छील के दिखा देता हूँ। ये देखो, इसमें कॉपर का अच्छा से मोटा वाला वायर लगा हुआ है, इसी वायर में है BNC कनेक्टर कनेक्ट होगा, तो BNC कनेक्टर को भी मैं अच्छे से छील लेता हूँ। BNC कनेक्टर को छीलने के बाद इसमें से भी दो वायर निकला फ्रेंड्स, रेड और वाइट का। तो इस BNC कनेक्टर के रेड वायर का जो कॉपर का मोटा वाला वायर निकला है फ्रेंड्स, उसमें हम जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के लिए कोई सोल्डिंग वोल्डिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता फ्रेंड्स, आप अच्छे से लपेट के टेप मार सकते हो इसमें। यदि आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो सोल्डिंग कर दोगे तो और अच्छा रहेगा। मेरे पास अभी यहाँ पर सोल्डिंग आयरन नहीं है, तो मैं सोल्डिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको अच्छे से लपेट के टेप लगा देता हूँ इसमें। इसी प्रकार से इसके दूसरे वायर को कनेक्ट करने के लिए जो वाइट कलर का वायर है, उसको हम इसमें अलग से अर्थिंग जैसे वायर निकला है फ्रेंड्स, इसमें सील्ड वायर, उसी में कनेक्ट कर देंगे। ये आप देख सकते हो, इस प्रकार से अच्छे से कनेक्ट कर देना है और अच्छे से टेप मार देना है। अभी हमें इसमें DC कनेक्टर भी कनेक्ट करना है फ्रेंड्स, इसका मैं थोड़ा सा भी टेप लगा देता हूँ। DC का मेल कनेक्टर लगाना पड़ेगा, DC का मेल कनेक्टर जो कैमरा को सप्लाई देने का काम करता है। ये आप देख सकते हो इस प्रकार से DC कनेक्टर होता है, इसको भी वायर अच्छे से छील लेते हैं। इसमें से भी दो वायर निकला है फ्रेंड्स, रेड और वाइट का। रेड है पॉजिटिव और वाइट है नेगेटिव, तो रेड को हम रेड कलर के वायर में जोड़ देते हैं, जो केबल का रेड कलर वायर है उसमें। और वो जो वाइट है उसको इसमें थोड़ा ब्लैक टाइप का स्लेटी कलर एक वायर निकला है उसमें लगा देते हैं न्यूट्रल के लिए। इसी प्रकार से जो DC कनेक्टर में वाइट कलर का वायर है, उसको भी जो केबल का स्लेटी कलर का वायर में हम कनेक्ट कर देते हैं, फिर उसमें से न्यूट्रल का सप्लाई मिलेगा। बस आपको इसका पॉजिटिव नेगेटिव को ध्यान देना ज़रूरी है फ्रेंड्स, यदि पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो फिर कैमरा चालू नहीं होगा। जिस वायर को
हम इसमें पॉजिटिव ले रहे हैं उसके पीछे साइड में भी वही वायर पॉजिटिव रहेगा और उसी वायर को नेगेटिव लेना है। जैसे जिसमें हम बीएनसी कनेक्टर किए हैं उसी टाइप से उसके पीछे साइड में बीएनसी कनेक्टर लगाना पड़ता है। अभी जिस साइड हमारा कैमरा लगना है उसके उस साइड का बीएनसी कनेक्टर और डीसी कनेक्टर कंप्लीट हो चुका है। देखो फ्रेंड्स, मैं एक बार कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो इसमें बीएनसी फीमेल लगा है और हमने जो केबल में बीएनसी मेल लगाया है उसको इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है, एकदम से सिंपल है। और इसमें डीसी कनेक्टर कनेक्ट होगा। अब इस केबल के दूसरा साइड जिधर डीवीआर में कनेक्ट होगा उधर हमें बीएनसी कनेक्टर लगाना होगा, डीसी कनेक्टर लगाने का ज़रूरत नहीं है। उससे पहले मैं इसको अच्छा से आप टेप मार के फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ दूसरे साइड का कनेक्शन कैसे करना है। वीडियो में मैंने सभी कैमरा का कनेक्शन नहीं किया है फ्रेंड्स, बस इसी प्रकार से इसका मेन बीएनसी कनेक्टर को कनेक्ट करना ही है, बाकी उसके बाद इसमें कोई कठिन वाला बात नहीं है। बस वही आप सीख लोगे तो कैमरा का कनेक्शन सीख लिया समझो। कैमरा के साइड में हमने जो डीसी कनेक्टर लगाया था फ्रेंड्स, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो एसएमपीएस का पॉजिटिव और नेगेटिव में जुड़ेगा। ये आप देख सकते हो मुझे इसमें चार चैनल मिला है, लेकिन मैं अभी इसमें एक ही चैनल में दोनों कैमरा का जोड़ दिया हूँ, अभी दो कैमरा का कनेक्शन किया हूँ फ्रेंड्स। और कैमरा के साइड में बीएनसी कनेक्टर जो लगाया था मैंने, सेम उसी वायर में इधर भी बीएनसी कनेक्टर लगेगा और डीसी कनेक्टर लगाने का ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एसएमपीएस से कनेक्ट हो जाता है। केवल हमें बीएनसी कनेक्टर लगाना होता है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो मैंने दो कैमरा के लिए बीएनसी कनेक्टर लगा दिया है, सेम वैसे ही कनेक्शन करना है। इस कारण मैं इसका वीडियो नहीं बनाया हूँ और मेरे पास वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था फ्रेंड्स, क्योंकि लगाते लगाते रात हो गया था। तो मेरे से जितना हो सका मैंने उतना ही किया है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो मेरा कैमरा चालू हो चुका है, रिकॉर्ड भी कर रहा है फ्रेंड्स। अभी मैंने दो कैमरा लगाया है, एक बाहर के लिए और एक अंदर के लिए। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, कुछ नॉलेजेबल लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। वीडियो में कुछ कमी होगा तो उसके लिए आई एम सॉरी फ्रेंड्स। मैं आने वाला किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से इसका कनेक्शन और बता सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।